माओवादियों ने नारा दिया अस्सी हराओ भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी इस नारे को अपना लक्ष्य मानकर करेगी काम। समाजवादी पार्टी का PGA NDA को हराएगा। अखिलेश ने कहा भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस जीरो हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होगी। प्रदेश की जनता भाजपा का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी तो देश हटेगी। समाजवादियों ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी इस नारे को अपना लक्ष्य मानकर काम कर रही है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को आजमगढ़ के एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का PDA भाजपा के NDA को हराएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों से आय दोगुनी करने और नौजवानों को नौकरी देने का झूठा वादा किया था। केंद्र की 10 वर्ष की भाजपा सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि उसने कितने नौजवानों को नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश से BJP को हटाने का मतलब है देश से BJP को हटना। 80 हराइए BJP हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। 80 को हराने के लिए क्या तैयारी है सर? PDA ही NDA का मुकाबला करेगा। वहीं अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने अखबारों में विज्ञापन दिया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख का MOU हुआ है। विधानसभा में भी MOU होने की घोषणा की, लेकिन 2 साल में अभी तक किसी जिले में कोई कारखाना लगता नहीं दिखाई दिया। किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नोटबंदी की नीति पूरी तरह से फेल रही है। नोटबंदी भाजपा सरकार की विफलता है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के धान की खरीद नहीं हुई, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं हुआ है, आलू किसान संकट में है, किसानों को फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय की विरोधी है, जातीय जनगणना की विरोधी है। बिना जातीय जनगणना सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस जीरो हो चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों, माताओं, बहनों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, देश में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर EVM से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है BJP हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, EVM अपने आप हट जाएगी। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र विरोधी है। भाजपा फिर आ गई तो लोगों के वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।